मालेगांव शहर के अंदर आप लोगों ने देखा है कि अभी रोड को लेकर, गड्ढों को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफें बढ़ गई है और बारिश की वजह से और ज़्यादा मालेगांव शहर में रोड की हालात ख़राब हो गई है। तो कुसुम्बा रोड आप लोगों के चर्चा में भी है बार बार, वो यूट्यूब या हमारे मालेगांव शहर के उर्दू अखबार में कुसुम्बा रोड के क्या हालात हैं ये हमारे पास आ रहे हैं बार बार। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद किसी बिजली कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी ये केबल डालने का काम यहाँ पर दिन में, वो भी इतवार के रोज़ जब सब ऑफिसर घर पे रहते हैं, उस रोज़ उन लोगों ने यहाँ सुबह सुबह इस तरीके से काम चालू कर दिया आकर, जबकि इनका काम है कि परमिशन लेकर बाकायदा ये ट्रैफिक का नज़्म ख़राब ना हो तो रात में इसका काम करें। अब इतना सब कुछ ट्रैफिक का नज़्म होने के बावजूद, देखिए ट्रकें वगैरह इधर से आती जाती है और रोड पे काफ़ी सारी ट्रैफिक रहती है, इतना होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दिन में काम शुरू कर दिया। पता नहीं इन लोगों के पास PWD का परमिशन है, कॉरपोरेशन का परमिशन है या पुलिस डिपार्टमेंट का परमिशन है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे मालेगांव शहर के आमदार साहब यहाँ पर विजिट के लिए, किसी ने यहाँ की इतला आमदार साहब को दी कि यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा ख़राब और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे आमदार साहब यहाँ पर विजिट करने के लिए फौरन पहुँचे हैं। तो हम आमदार साहब से बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या है। नीट वालों का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, प्लस देखो यहाँ की आवाम जो बोल रही है कि नीट वालों का यहाँ पर एग्ज़ाम है, जो हमारी बच्चियाँ बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों का एग्ज़ाम है। अब ये ट्रैफिक इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो गई है कि आने जाने का रोड ब्लॉक हो गया था, लेकिन ये ब्लॉक होने के बाद जब जिस वक्त यहाँ पर आमदार साहब आए तो यहाँ के बिजली के ये जो ठेकेदार थे, ये ठेकेदार ने फौरन आमदार साहब के कहने पे ये रोड को बंद किया और बंद करने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक को शुरू किया। तो यहाँ पर आमदार साहब आए हुए, हम जानते हैं आमदार साहब से क्या हजरत क्या बोलना है आपका। तो कंप्लेंट मिली कि रोड बंद है खुदाई की वजह से, तो मैं आया क्या क्या काम, और ये जो वायरिंग का काम है इन्होंने परमिशन लिया नहीं लिया मैं वही मालूम कर रहा था कि इन्होंने परमिशन ले करके काम किया है क्या। सुबह से लोग परेशान हैं, आज नीट का इम्तिहान है। आपके आने के फौरन बाद इन लोगों ने ये बंद कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन लोगों ने परमिशन वगैरह नहीं लिया होगा इसका। मैंने वही मालूम थी कि आपने परमिशन ले के काम किया है क्या। ट्रक वगैरह जो है तो अंदर से डालना, व्हीकल लाइन जो अंदर से डाले ना तो पेपर लेना, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं कि 8 बजे निकलने वाली, 8:30 बजे निकलने वाली गाड़ी अब निकल। अब ये बच्चे अगर नीट में नहीं पहुंच पाएंगे, इनको बाहर शहर जाना है, पूरा 2 साल इनका बर्बाद हो गया। जाना है औरंगाबाद जाना है, शीरपुर जाना है, नासिक जाना है, और इस तरफ के रहने वालों के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हर हाल में उनको इधर से ही जाना है। अगर वो बच्चे एग्ज़ाम पे टाइम पे नहीं पहुंच पाए तो उनकी तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी।